नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो के अंदर। आज की वीडियो में एक लेटेस्ट अपडेट लेके आपके सामने हाजिर हैं सर। अप्रैल 2022 की जीएसटीआर थ्रीबी के लिए पोर्टल पर आई बड़ी राहत। जी हाँ, अप्रैल 2022 की जीएसटीआर थ्रीबी के रिगार्डिंग पोर्टल पर कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ अपडेट आपके लिए आई है। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पोर्टल पर जीएसटीआर 2B जो है वो जनरेट नहीं हो पा रहा है। तो कुछ हमारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर जो हैं उन्होंने बड़े प्यारे प्यारे अपने कमेंट करे हैं, तो वो समझ गए होंगे मेरी बात का इशारा। बट चलो, कोई इशू नहीं है। तो हम आज की वीडियो को कंटिन्यू करते हैं सर, और अप्रैल 2022 की GST 3B के लिए पोर्टल पर आई बड़ी राहत देखते हैं सर। जीएसटी पोर्टल पर मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा। तो जीएसटी पोर्टल पर सर हम आ गए हैं, और मैंने आपको पिछले वीडियोज में बताया था कि भैया जीएसटी पोर्टल पर अकाउंटेंट के लिए आई एक और बड़ी प्रॉब्लम। यहाँ पे आप इस वीडियो को देख सकते हो, उसके रिगार्डिंग इसी के रिगार्डिंग था, उसी के कंटिन्यूशन है कि अब जो 2B पे आपका डाटा जनरेट नहीं हो रहा है, तो आप देखेंगे 15/5 जो कि आज की तारीख है, इनकम्प्लीट GSTR 2B इन सम केस। कुछ प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर ने मेरे को कल की वीडियो पे कमेंट करके बताया था कि सर आपने जो वीडियो बनाई है ये ऐसे ही आपने वीडियो बना दी है, अभी जो है GSTR 2B जनरेट हो जाएगा, चलो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई इशू नहीं है। सब्सक्राइबर भैया भगवान जी है समझ लो इस समय, है ना। कॉमेडी थी भाई, दिल पे मत लेना। इनकम्प्लीट GSTR 2B इन सम केसेस रिगार्डिंग, यहाँ पे सर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो मैंने कल ही आपको दे दी थी। इट हैज बीन नोटिस्ड दैट इन फ्यू केसेस सर्टेन रिकॉर्ड्स आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन GSTR 2B। यहाँ पे हालांकि सर्टेन लिखा है, सर्टेन का चक्कर नहीं है, कोई भी रिकॉर्ड रिफ्लेक्ट हो रहा है, बहुत ही कम GSTR 2B पे जो है डाटा रिफ्लेक्ट हो रहा है। फॉर द पीरियड ऑफ अप्रैल 2022 However, such records are visible in GSTR 2A of such recipient। ये मैंने आपको कल ही बताया था कि इशू क्या है। इशू ये है GSTR 2B में ITC नहीं आ रही, और सोल्यूशन क्या है, GSTR 2A के अकॉर्डिंगली आप जो है ITC को चेक कर सकते हो। बट वहां पे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि 2A की पूरी ITC मत क्लेम करना। वहां पे मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था जो अभी तक मैंने किसी क्लास में नहीं बताया, पर कल सब्सक्राइबर कहने लगे नहीं भैया ये तो मार्केटिंग वीडियो है, ये तो आप इन्फॉर्मेशन दे रहे, जबकि जो इन्फॉर्मेशन मैंने उसमें दी है आज तक वो इन्फॉर्मेशन मैंने कभी किसी वीडियो में दी नहीं है। वो इतनी काम की इन्फॉर्मेशन थी जो मैं अपने एक्चुअली पेड बैचेस के अंदर आपको दिखाता हूँ कि मेन जो इशू है वो 2A और 2B के डिफरेंस का इशू है। बट गवर्नमेंट ने यहाँ पे आज आपको जो है थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दिया है अप्रैल 2022 के लिए। यहाँ पर गवर्नमेंट ने बोला है कि आप ITC 2A के अनुसार क्लेम कर सकते हो। कॉलम नंबर 3 में मैं आपको भी पढ़ के बताऊंगा। मैंने जो कल की वीडियो में आपको बताया था कि 2A में जो ITC आ रही है उसमें से आप 2B की ITC को कैसे फिल्टर करोगे, बहुत ही काम का वीडियो था भाई साहब। पर ठीक है, अपना अपना समझने का एक तरीका है, कोई इशू नहीं है सर, हमारा काम है सेवा करना। ओके, द टेक्निकल टीम इज वर्किंग टू रिजॉल्व दिस इशू फॉर द इंपैक्टेड टैक्सपेयर जनरेटेड फ्री एंड जनरेटेड फ्रेश GSTR 2B एट द अर्लीस्ट। मतलब हाल फिलहाल तुम्हारा 3B से पहले 2B सही नहीं होगा, अगर सही हो जाता तो ये नोटिफिकेशन क्यों आता। इस बात के साथ एग्री हो तो भाई साहब पॉज करके जरूर कमेंट करना। अगर 3B से पहले ठीक हो ही जाता तो गवर्नमेंट इसको इश्यू क्यों करती है ना। ये इश्यू करने का मतलब यह है कि भैया वो अभी 2B में डाटा आपका हाल फिलहाल आएगा नहीं अप्रैल 22 का, अप्रैल 2022 का। इन द इंटरिम इफेक्टिव टैक्सपेयर्स इंटरेस्टेड इन फाइलिंग GST 3B रिक्वेस्टेड टू फाइल रिटर्न ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस यूजिंग GSTR 2A। तो यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा रिलैक्सेशन मिल रहा है कि आप 2A के अनुसार ITC को क्लेम कर सकते हो, पर 2A और 2B में डिफरेंस होता है। ये मैं आज फिर बोल रहा हूँ, कल की वीडियो में बोला था जो ITC 2A में आती है वो 2B में नहीं आती है, दोनों के बीच में अंतर होता है। क्या अंतर होता है, लेट फाइलिंग का अंतर होता है। ठीक है सर, इनकन्वीनियंस कॉज्ड इन दिस रिगार्ड इज डीपली रिग्रेटेड। ठीक है सर, तो ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है अप्रैल 2022 का सर। जो आप ITC है वो अब आप 2A के अनुसार क्लेम कर सकते हो केवल अप्रैल 2022 का, अगर आपके 2B में डाटा जनरेट नहीं हो रहा है। कुछ जीएसटी रजिस्टर्ड का जो है, कुछ जो है GSTN पे 2B का डाटा जनरेट हो रहा है, बट बहुत ही कम GSTN के ऊपर हो रहा है। अगर सभी पे हो रहा होता तो गवर्नमेंट ये आपको अपडेट नहीं देती। आई होप आप इस अपडेट के साथ एग्री होगे। और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप सभी से, मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन बहनों, वीडियो की गहराई को समझा करो, सीधा सीधा मार्केटिंग पर मत पहुंच जाया करो। ऐसा नहीं है, YouTube पे वीडियोस आती हैं, आती रहेंगी और लगातार सेवा चलती रहेगी। तो आई होप आप सभी का प्यार मिलता रहेगा। आप अपना प्यार प्लीज मेरे को कमेंट करके जरूर बताएंगे, सर वी सपोर्ट यू, वी ऑलवेज विद यू। सो थैंक यू वेरी मच। इस अपडेट को ध्यान रखिए, GSTR 3B को फाइल करने से पहले बहुत ही जल्दी मैं आपको अप्रैल 2022 का GSTR 3B भी
दूंगा जहां पे 2B का डाटा नहीं है, और फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली डाटा आपको कैसे क्लेम करना है। सो थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद, थैंक यू।